सबसे पहली बात तो ये कि कोरोना की सेकंड वेव आई हुई है, तो एहतियातें बढ़ गई हैं, आप लोग भी एहतियात कीजिए, सबको अपनी अपनी केयर खुद करनी है, मास्क लगा के रखिए और जैसे जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती रहें उनके अकॉर्डिंग चलिए, अपनी ज़िंदगी को उसके अकॉर्डिंग ढाल लीजिए। तो आज के वीडियो की तरफ आते हैं। आज का वीडियो टाइटल तो आप देख चुके समझ ही गए, मैं जामित पर खड़ा हूँ तो यहाँ कुछ ना कुछ खाने आए हैं जायकों के इस समंदर में। आज हम एक गहरी सी डुबकी लगाएंगे और इसकी गहराई में से एक बड़ी नायाब मछली पकड़ कर लाएंगे। उस मछली का नाम है तौफीक बिरयानी। तो आइए डुबकी लगाइए मेरे साथ, चलते हैं। पुरानी दिल्ली के दिल में आज एक रोशन और चमकदार दिन था। जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 से निकलकर बाजार मटिया महल को पार करता हुआ मैं और मेरा कैमरा सीधा चलता चला जा रहा था हवेली आज़म खां की तरफ। म्यूज़िक डालने के बजाय मैंने जानबूझकर इस बाज़ार के शोर और मुख्तलिफ आवाज़ों को बरकरार रखा है ताकि देखने के साथ साथ सुनकर भी आप पुरानी दिल्ली की गलियों से मानूस हो जाएं। तो जामा मस्जिद के बाज़ार मटिया महल में सीधे चलते हुए इस वक्त हम जा रहे हैं चितलगबर चौक पे और हमें जाना है हवेली आज़म खां की गली में। ये आ गए हम चितलगबर चौक पे, अब हम यहाँ से लेफ्ट में इस गली में चलेंगे। ये वही गली है जहां आपने मेरे साथ हाजी शबराती नहारी का जायका लिया था। पुरानी दिल्ली में गलियां इसी तरह से हैं जैसे इंसानी जिस्म में शरियाने यानी वेंस जिनको कोलेस्ट्रॉल बंद कर देता है, और इन गलियों का कोलेस्ट्रॉल ये ट्रैफिक है। खैर खुल जाएगा। तो आ गए हम हवेली आज़म खां, शबराती नहारी की दुकान आते हैं अभी देखी। मुझे अभी मज़ीद अंदर जाना है यानी और गहराई में। तो ये आ गए हम तौफीक बिरयानी पे और तौफीक भाई से बात हुई थी कि मुझे इसकी मेकिंग ज़रूर दिखानी है, तो अभी तौफीक भाई जा रहे हैं आगे आगे और हम जा रहे हैं इनके किचन में। अभी 12:15 बजे इनकी एक लॉट बन के तैयार हो चुकी है। मैं खड़ा हूँ इस वक्त तौफीक भाई की बिरयानी की दुकान पर। इनकी बिरयानी का नाम है दिल पसंद बिरयानी और हवेली आज़म खां में मैं हूँ। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि जायके के इस समंदर में गहरी सी डुबकी लगा के हम आज पकड़ेंगे तौफीक बिरयानी नाम की एक अनमोल मछली। मैं वहाँ आ चुका हूँ, तौफीक भाई मेरे साथ हैं। तौफीक भाई ये बताइए कि आखिर इस शोहरत ये वजह शोहरत क्या है, कितने साल हो गए इस काम को, इस खजाने को आपको बांटते हुए। पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूँगा कि आप मेरे लिए यहाँ पे आए पूछते हैं। हमने सोचा कि शाही मुगलाई खाने दें यहाँ पे अपने दिल्ली के अंदर। हमने जब 98 में खाना चालू करा था बिरयानी का अपना स्टार्ट 98 में और उसके बाद से जब हमने जब 32 रुपये किलो से स्टार्ट करा था, आज 240 रुपये किलो बिरयानी बेच रहे हैं। तैयार बिरयानी 30 रुपये किलो बेचते थे। आज कितनी है? आज 240 रुपये किलो है। अच्छा, ये कौन सी गोश्त की बिरयानी होती है? भैंस के गोश्त की बिरयानी होती है। हम इसे बफेलो बिरयानी देते हैं, बफेलो कहते हैं अंग्रेजी में। सही। तो हम बफेलो कहते हैं मुर्गे की बिरयानी। कहाँ से लेते हैं? साफ सुथरा गोश्त, साफ सुथरा लेते हैं, हम अपना लेते हैं बना के। वेरी गुड। मतलब वो भी ऐसा नहीं है कि कहीं से भी ले लिया, नहीं 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 दोनों चिकन की भी और बड़े की भी। अभी ये बफेलो की चढ़ी हुई है। ये जी इसके अंदर मसाले हमारे दही वगैरह सब डले हुए हैं। अच्छा। और अपने सारे मसाले होते हैं हमारे। एक बात बताइए तो भाई, जैसे मेरी नॉलेज के हिसाब से जी बिरयानी तो होती है सिर्फ यखनी में नमकीन बकी हुई जी, उसको हम बिरयानी कहते हैं जो असली दिल्ली की बिरयानी होती है। ये बिरयानी की नई शक्ल है? नहीं, ये एक शाही खाने हैं।
अच्छा। जैसे एक मसाले जो है आदमी के जिस्म में जाने चाहिए ना, जी 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 जी, ये वो चीज़ें हमारी पुरानी शाही टाइम होगी, तो इसलिए शाही बिरयानी ये भी एक शाही टाइम होगी। इतना बड़ा पतीला है देखो। हाँ। अच्छा ये पतीला ना देग है, ये पतीली ना, भगोना है ना पतीली है, ये है तांबे की, ये तांबे का पूरा। अच्छा जैसे एल्युमिनियम की, हम एल्युमिनियम में, ट्रेन करा आपने तो ये तैयारी में माशाल्लाह लड़के सारे ये संभाल लेते हैं सारे काम को। लेकिन अभी आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, गोश्त के अंदर ये आप गोश्त देख रहे हो किस तरह कितना साफ़ है, बेहतरीन मिले पब्लिक को अभी मैं बहुत साफ सुथरा गोश्त है भाई, और जहाँ से चाहे वहाँ से निकाल लेंगे, यानी कि मैं अलग से ढूंढ के अलग से मैं ढूंढ के निकाल रहा हूँ इसे। हमारे इलाके के पीढ़ी के जो है ना आखिरी चिराग है, हमारे बुजुर्गों के सबकी दुआएं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे भाई की तौफीक, भाई की मजीद कामयाबी अता फरमाए। मेरा मानना यह है कि बुजुर्ग और जब तक हमारे सर पर कायम है, अल्लाह ने कायम रखा हमारी सर, बच्चों को भी, बच्चों को भी कायम रखे, दुआ देने का काम है, इनकी दुआएं हमें मिलती रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, दो मिनट भी दिए, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें याद किया, और पूरी दुनिया पूरे भारत में अमन अमान। यहाँ पर चावल मैं दिखा दूँ, गोश्त और चावल यही दो कॉमन और बेसिक एलिमेंट हैं किसी भी बिरयानी के। ये दोनों चीज़ें मैंने खुद चेक की, यहाँ चावल एक मशहूर ब्रांड के यूज़ किए जाते हैं और गोश्त, खुद अपनी गवाही आप दे रहा था। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने व्यूअर हैं तो अब तक आप ये बात जान चुके होंगे कि गोश्त गुलाबी होना चाहिए। चावल को अलग से कुछ खुशबूदार साबुत मसालों के साथ एक उबाल देकर उसके बाद गोश्त के साथ दम किया जाता है। इसके बाद एक ख़ास अचार इसमें शामिल किया जाता है जो इस बिरयानी को एक नुमाया और मुख्तलिफ जायका फराहम करता है। अचार भी आपका स्पेशल ही होगा। हाँ हाँ, सिरके का अचार है। अच्छा। और सिरका हमारे लिए सुन्नत है। तो भाई ये अभी एक देख बनती हुई मैंने आपको दिखाई, अभी ये इनके किचन से वापस मैं इनकी दुकान की तरफ जा रहा हूँ। ये हमारा शौक है जी। तो ये कमरा इन्हीं साहब का है पूरा। अच्छा, और ये बादशाह सलामत यहाँ रहते हैं। सही है, ये क्यों नहीं रहेंगे बताओ मुझे। ये बच्चे बड़े लगा रहे हैं तो बांध रखा है बातों में। मैं जब भी कभी इन अंदरूनी गलियों में आता हूँ, हर बार कुछ ना कुछ एक चीज़ ऐसी ज़रूर देखता हूँ जो मुझे एक बार फिर से ये कहने पे मजबूर कर देती है कि ये एक अलग ही दुनिया है। इन बच्चों के शौक का अंदाज मुलाहिजा कीजिए। बिरयानी की शक्ल बहुत ही तर थी, खुश रंग, खुशबूदार और रची हुई। मतलब चावल, गोश्त, अचार, मसाले और घी, हर चीज एक दूसरे के अंदर ब्लेंड होती साफ देखी जा सकती थी। बफ की बिरयानी है, इसका क्या किलो का हिसाब है? के किलो का है या प्लेट का हिसाब होता है? नहीं, किलो का। क्या रुपए? क्योंकि यहाँ किलो का ही चलता है शुरू से, प्लेट का तो है ही नहीं। हाँ। अच्छा, भारी आदमी भी खा ले और नॉर्मल आदमी भी खा ले। ये 240 रुपए केजी है, बफ और चिकन दोनों का सेम रेट रखा हमने। यह है चिकन की। अच्छा, इसकी भी सेम ही रंगत है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। ज़्यादा कौन सी बिकती है तौफीक भाई? सबसे ज़्यादा बफेलो बिकती है सबसे ज़्यादा वाले। अच्छा, नली भी होती है आपके यहाँ? नली नहीं डालते हम। अच्छा, नली कोई आ जाए तो मिल जाती है? नहीं नहीं बिल्कुल नली। अच्छा, लेते ही नहीं हम, देते रखते ही नहीं नली। अच्छा तौफीक भाई, ये क्या चीज़ है? ये अचार है इसका, बिरयानी का ही है। कोई एक्स्ट्रा लेना चाहे तो? हाँ, अगर जैसे ज़रूरत ज़्यादा खाने की है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये तैयारी का ही वक्त है, इसीलिए रायते की पैकिंग की जा रही है।
हम यही रहते हैं मटिया महल में, बिरयानी बच्चे ने मंगाई थी हमारे। अच्छा। तो हमने सोचा बिरयानी ले चले, बच्चे फरमाइश ज़्यादा करते हैं हमारे बच्चे, बिरयानी की इनकी तौफीक भाई की फरमाइश पूरी की जाए। जी हाँ, लो बेटा। मेरे लिए 250 ग्राम बफलो बिरयानी प्लेट में निकाली जा चुकी है। भाई की बिरयानी का एक निवाला लेते हैं, और पूरी गुस्से वाली बिरयानी है, मसालेदार बिरयानी है, इसको ठंडा समझ के मत खाइएगा। नॉर्मल नमकीन बिरयानी नहीं है, अचार भी है, मिर्चें भी हैं, मसाले भी हैं, फूड कलर भी है, गोश्त साफ है। अच्छा, बात यह है कि मैं यहाँ पे वैसे तो चिकन की भी एक ऑप्शन था, चिकन की भी मैं ले सकता था, लेकिन मैंने बफ की लिए। आप अगर नहीं खाना चाहते तो आप चिकन की भी ले सकते हैं, चिकन की भी है। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो अचार यूज़ करते हैं ये सिरके में बना हुआ अचार होता है, विनेगर सिरके का अचार है, नॉर्मल अचार नहीं है। मुमकिन है कि अचार नुकसान नहीं देगा। बाकी बिरयानी के अंदर थोड़ी खटास है, थोड़ी मिर्चें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जायके आ रहे हैं, खुशबू है, ओवरऑल अच्छा पैकेज है। और ये 220 रुपये किलो है, चाहे आप चिकन की लें, चाहे आप बफ की लें, और पैकिंग कराएंगे तो उसका कुछ थोड़ा बहुत चार्ज अलग से है। भाई क्या ख्याल है बिरयानी के बारे में? भाई एकदम मौसम मस्त, एकदम ऐसा टेस्ट नहीं मिलता भाई पूरी जामत इस पर कहीं, लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा अलग अलग डिफरेंट होता है थोड़ा। हाँ। इनकी बिरयानी में कुछ अलग ही बात है। मेरे आपका नाम? अरशद खान, ये शीरमाल की दुकान है, ये उर्दू बाजार में गेट नंबर 1 के सामने। अच्छा, मेन रोड पे? मेन रोड। तो मेरे साइड भी एक भाई बैठे हैं, भाई आपका नाम? मोहम्मद रिजवान जी। नहीं, जाफराबाद से आते हैं। क्या बात है, जाफराबाद में इनकी यामिन की नहीं खाते है ना? खाते हैं हम। सबको थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ बैठे। नहीं नहीं, तो हम बहुत कम से 18-20 साल से जानते हैं तौफीक भाई को। नाम है इनका दिल्ली शहर के अंदर, बेहतरीन बिरयानी बनती है। अच्छा, गोश्त साफ है बहुत, मैंने अभी पकते हुए भी देखा, तो गोश्त में कुछ ऐसी चीज़ आई नहीं कि आपको हटानी पड़े। जहाँ इलाकाई लोग मुझे इसकी तारीफ करते मिले, वहीं एक खामोश तबीयत नौजवान कमर पर बैग टांगे हुए मुझे नजर आया, जस्तजू हुई बात करने की। अश्वनी यादव। अश्वनी यादव, तो अश्वनी जी आप मुझे लगता है यहाँ कहीं काम से आते होंगे, क्योंकि बैग वैग टंगा हुआ है। हाँ जी। कहाँ से आते हैं? गुड़गांव। गुड़गांव से आते हैं। हाँ जी। तो इनकी बिरयानी का कैसे पता चला आपने? मतलब मोस्टली मैं सर्च करता हूँ कि कौन सी फेमस जगह है, तो अच्छा। और फिर ट्राई करता हूँ, अगर लगता है कि सही में अच्छी तो बार बार आता हूँ। हाँ, लंच यहीं पर करता हूँ। आमिर। आमिर भाई यहीं रहते हैं? नहीं, यूपी मुरादाबाद। मुरादाबाद, तो आप भी कहीं काम से आए हुए? नहीं, ससुराल ने मेरी यहाँ पर। अरे वाह, ससुराल में खाना नहीं खा रहे, यहाँ खा रहे हो? नहीं, मैंने यहाँ पर किसी से पूछा है तो बिरयानी किसकी फेमस, बोले तौफीक भाई की बिरयानी फेमस है, किसने खाना है यार? जी जी जी, मैंने फर्स्ट टाइम खाई है जी। कहते हैं कि फलदार दरख्त की शाखें अगर लचीली ना हो तो फल के वजन से ही टूट जाती हैं। तौफीक भाई को मैंने खुश मिजाज, खुश अखलाक और नरम तबीयत इंसान पाया। तौफीक भाई, हमने बिरयानी खाई, बनते हुए भी देखी, और आपने सब कुछ समझाया। बिरयानी बहुत अच्छी थी, बहुत और बहुत मुख्तलिफ थी। मैं जो तसव्वुर करता हूँ बिरयानी, वो सिर्फ नमकीन को तसव्वुर करता हूँ, लेकिन आज ये नई तरह की बिरयानी खाई। मेरे ख्याल में बिरयानियों की बहुत बहुत किस्में हैं, बहुत किस्में बिरयानियों की, तो धीरे धीरे सभी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। फ़िलहाल आज इजाज़त दीजिए, बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलकर, और बिरयानी के साथ साथ मुझे आपका मिजाज बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको बरकत दे। थैंक यू।